वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मेरे दोस्त पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है ना। पांचवा वीडियो आज का, यह पांचवा वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो आपका प्रश्न नंबरिया का मैंने करा दिया है। इसका मतलब कि 4 वीडियो होने का मतलब कि 8 प्रश्न नंबरिया, क्योंकि एक वीडियो में हम 2 करा रहे हैं। तो सीरीज बाय सीरीज देखिएगा, प्रश्न नंबरिया बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 20 नंबर है ऑब्जेक्टिव और सब, मतलब 2 नंबरिया यह तो फिक्स है आपका, लेकिन प्रश्न नंबरिया में डर है। तो सीरीज तो स्टार्ट कर दिए हैं, लाइन बाय लाइन देखिए। तो चलिए बिना समय का देरी करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यह फलन का पावर फलन है, यह भी फलन का पावर फलन है। कल जिस तरह मैंने आपको समझाया था, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसमें भी डायरेक्ट लॉग लेकर बनाएंगे, तो यहाँ पे आप गलती कर देंगे। मैंने वहाँ पर क्या समझाया था आप लोगों को कि जब भी बराबर के इस साइड अकेला और बराबर के इस साइड अकेला कोई फंक्शन रहता है फलन के पावर फलन के रूप में, तो उस कंडीशन यानी उस केस में आप लोग डायरेक्ट लॉग लेंगे। लेकिन अब यहाँ से कंसेप्ट का फॉर्मेट चेंज होता है, समझिए कैसे। जब भी फलन का पावर फलन, फलन का पावर फलन जोड़ घटाव के रूप में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी फलन का पावर फलन, फलन का पावर फलन का डीसी हमसे कहेगा डी वाई बटा में डेक्स निकालने के लिए, और जो हमारा वो फलन होगा जोड़ घटाव के रूप में होगा, तो हम उसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, समझ गए ना। डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे तब आप सोचेंगे तब क्या करेंगे, करेंगे ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग तो अब लेंगे नहीं डायरेक्ट, डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग मानेंगे यू और इसको मानेंगे भी, सिंगल सिंगल। देखिए कैसे, हम यहाँ मानेंगे, माना यू बराबर एक्स के पावर वाई और भी बराबर मान लेंगे y के पावर x, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। मानने के बाद यह मानवा इसमें रखिए, क्या हो जाएगा, u प्लस v या बराबर 1 हो गया ना, क्योंकि हम इसको u माने तो यहाँ पर u, इसको v तो यहाँ पर v बराबर 1। इतना होने के बाद अब आप यहाँ लिखेंगे कि बोथ साइड dc करने पर, बोथ साइड डीसी करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी यू बटा में डी एक्स प्लस का डी वी बटा में डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। इतना होने के बाद आप इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। 1 मानने के बाद अब देखिए क्या कीजिएगा, प्रत्येक भाग का डीसी करना है। इसका भी समझिए, अब यह हमारा सिंगल क्वेश्चन है, इसका अलग डीसी करेंगे, इसका अलग डीसी करेंगे, और करने के बाद इन सब से जो माना हुआ इसका और इसका निकलेगा ना, इसमें रख देंगे। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर जो हम आपको माने थे, यहाँ पर यू बराबर क्या माने थे, एक्स के पावर वाई, अब इसका डीसी कीजिए सिंपल से। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा बोथ साइड लॉग लेने पर आप यह इसमें लिख लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लॉग यू बराबर लॉग एक्स के पावर वाई, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर वाई लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसमें बाबू डीसी कीजिए, तो लॉग यू का डीसी क्या होता है, 1 बटा में यू, और यू का कीजिएगा तो डी यू बटा में डी एक्स है, हो गया। यहाँ देखिए वाई को बाहर कीजिए, लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1 बटा में एक्स होता है, और फिर इसमें आप लॉग एक्स को बाहर कीजिए और वाई को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। इतना डीसी करने के बाद आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसको सजा कर यहाँ पर लिख देते हैं, 1 बटा में u डी यू बटा में क्या है dx है बराबर y बटा में x हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, log x डी वाई बटा में डी एक्स। इतना हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखिए जो आया है मैंने यहाँ पर लिखा है। इतना करने के बाद हमको किसका मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, डी यू बटा में डी एक्स का, तो हम यहाँ से डी यू बटा में डी एक्स का मान निकालेंगे। तो इस यू को कहाँ करेंगे, इस साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी यू बटा में डी एक्स, यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वाई बटा में एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई बटा में डी एक्स,
इतना हो जाएगा। अब देखिए यू का मान कितना है, यू का मान कितना माने हैं एक्स के पावर वाई माने है ना, तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ यू का मान रख दीजिएगा एक्स के पावर वाई इतना रख दीजिएगा। इतना करने के बाद अब आप इसको समीकरण दो मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण दो मान लीजिएगा। दो मानने के बाद अब इसका भाई डीसी कीजिएगा फिर से, जिस तरह हम इसका किए हैं उसी तरह आप इसका भी कीजिएगा। देखिए भी बराबर आपका वाई के पावर एक्स है, आप यहाँ लिखिएगा बोथ साइड लॉग, तो लॉग भी बराबर लॉग वाई के पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग भी बराबर एक्स लॉग वाई इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब डी सी कीजिए तो लॉग भी का वन बटा में भी हो जाएगा, इसका डी भी बटा में डी एक्स हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा लॉग वाई, एक्स को बाहर कीजिए लॉग वाई का कीजिएगा तो वन बटा में वाई हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। और भी को इस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो डी ही बटा में डी एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा लॉग वाई प्लस एक्स बटा में वाई आपका हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स इतना हो जाएगा। भी का मान क्या है एक वाई के पावर एक्स, तो आप नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ भी का मानवा रख दीजिएगा वाई के पावर एक्स, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण तीन, इसको आप समीकरण तीन मान लीजिएगा। अब समीकरण तीन मानेगा तो अब देखिए क्या कीजिएगा कि समीकरण दो से डी यू बटा में डी एक्स का मान, समीकरण तीन से डी भी बटा में डी एक्स का मान समीकरण वन में यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है ना। बनाए होंगे बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको मिटकाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए और तो वीडियो यहाँ से पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि जो आपका समीकरण तीन आया था मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो मान आया था, समीकरण चार का जो मान आया था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है कि जो ये तीन और चार का मान आया है आप सभी का, इस तीन और चार से डी यू बटा में डी एक्स का मान, डी वी बटा में डी एक्स का मान इसमें रखिए। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण तीन और चार से डी यू बाटा में डी एक्स तथा डी भी बाटा में डी एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, क्योंकि पाँच नंबर का सवाल बना रहे हैं तो ये लिखना बनता है, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। तो सर चलिए डी यू बटा में डी एक्स का मान रखिए, चलिए क्या है एक्स के पावर वाई, यहाँ है वाई बटा में एक्स प्लस है और यहाँ पर आपका लॉग एक्स है और डी वाई बटा में क्या है डी एक्स है, यह आपका डी यू बटा में डी एक्स का मान हमने यहाँ पर रखा प्लस डी वी का मान यहाँ पर रखिए, तो y के पावर x फिर आपका क्या है log y प्लस x बटा में y इंटू डी वाई बटा में डी एक्स, सॉरी यहाँ पर आप 1 का डी सी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का डी सी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, वहाँ ध्यान से नहीं आया 0 हो जाएगा। अब देखिए पूरा हो गया, अब क्या करना है कि इस फॉर्मेट से आपको डी यू बटा में डी एक्स सॉरी डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकालना है। तो प्रत्येक पद में सबसे पहले गुणा कर लीजिए, तो एक्स के पावर वाई इंटू वाई बटा में एक्स प्लस यह गुणा होगा इसमें, तो एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बटा में डी एक्स प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई। अब इससे भी प्रत्येक पद में आप गुणा कीजिएगा, तो वाई के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर वाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब क्या कीजिएगा कि जिस भी पद में डी वाई बटा में डी एक्स होगा उसको इधर ही रहने दीजिएगा, आज जिसमें नहीं होगा उसको उससे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि डी वाई डी एक्स एक साइड, बाकी का सब एक साइड। चलिए इसमें और इसमें है, इसको संग ही रहने देते हैं। और देखिए एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बटा में डी एक्स प्लस
वाई के पावर एक्स इंटू एक्स बटा में वाई और डी वाई बटा में डी एक्स है, यह इसमें और इसमें नहीं है, तो एक्स के पावर वाई इंटू वाई बटा में एक्स और कितना हो जाएगा माइनस का वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई इतना हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पाँच नंबर यह कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा ठीक है ना, क्योंकि समझाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। अब देखिए इसमें से डी वाई बटा में डी एक्स और इसमें से डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन लीजिए, तो डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन इसमें क्या बचेगा वो एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स बचेगा, इसमें कौन बचेगा आपका यह वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ ओनली यह वाला पार्ट बचेगा। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहीं पर y के पावर x और y किस में भागा में, भागा में है तो पावर क्या होता है घटता है जब बेस सेम रहता है, तो y और y का देखिए बेस सेम है, पावर इसका x है इसका एक है, तो भागा में पावर क्या होता है घटता है, तो घटाएंगे x माइनस वन कर देंगे और यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए x और x का बेस सेम है और भागा में है तो पावर घट कर मतलब घटा कर लिख सकते हैं इंटू वाई माइनस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई। एक मिनट यह भी जाएगा उधर, तो एक मिनट यहाँ प्लस करते हैं और पूरा का चिन्ह माइनस दे देते हैं बाहर, यह ठीक रहेगा ठीक है ना, पूरा का चिन्ह प्लस देते हैं और बाहर लगा देते हैं माइनस, यह ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसको बाटा के नीचे विदा कर दीजिए, तो डी वाई बाटा में कितना हो जाएगा डी एक्स एक्स के पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई बटा में, यह कहाँ आ जाएगा बटा में, तो एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई के पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, पूरा आपका यह क्या हो गया डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकलेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमको सिखाना ही पड़ेगा ठीक है ना। उसमें क्या था जो पिछले दे रहे थे कि सेम टू सेम टाइप का था, फॉलो आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमको बनाकर आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।